आज मैं शाहजहांपुर की सरजमी पे हूँ, जहाँ कुछ समय पहले बड़ा नाम खराब हुआ है। यहाँ पर एक विद्यालय और आश्रम का नाम खराब किया गया और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री एक बलात्कार की जैसी घटना में संलिप्त पाए गए और भाजपा की पूरी सरकार और पूरे प्रशासन ने उन्हें बचाने का काम किया। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो दोबारा से इस मामले की जाँच की जाएगी और जो आरोपी हैं, जो प्रशासन के आरोपी हैं, उनको सजा दी जाएगी। साथ ही साथ जो असली जगह चिन्मय आनंद जी की है, उन्हें उनकी असली जगह भेजने का काम किया जाएगा। ये सरकार पूरी तरह से निराश करने वाली सरकार है। इस सरकार ने ना किसानों के साथ भलाई की है, ना महिलाओं के साथ भलाई की है, ना युवाओं के साथ भलाई की है, ना ही किसी बुद्धिजीवी वर्ग के साथ भलाई की है। और पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं कि अगर आप कोई आवाज उठाएंगे तो आपको भी जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार किसी की भी हितैषी सरकार नहीं है। इस सरकार ने सोच रखा है कि जो भी जनता आवाज कि इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके ऊपर मुकदमे लेके जाएंगे, उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। इनकी दमनकारी नीतियां हैं, ये दबाना चाहते हैं मुद्दों को। बड़े किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की साधारण सी मांग है। वह योजना कैसी योजना जिस योजना के लिए हम लेने को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। किसानों का साधारण सा मांग है कि MSP को आप बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। और जो किसानों की मुख्यतः मांग है कि किसान बिल वापस ले लीजिए, तो आप ले लीजिए ना वापस। क्यों इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहा है।